हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने बॉक्सर से जो आपका ओपोनेंट है उससे आगे से अटैक कैसे करवा सकते हो, क्योंकि कुछ बॉक्सर्स होते हैं जो कि आगे से अटैक नहीं कर पाते। जो जैसे खेल रहे हैं तो उनको ये रहता है कि ये पहले अटैक करे तो मैं डिफेंस करके अटैक करूँ, खुद कभी भी आगे से प्रॉपर तरीके से अटैक नहीं कर पाते। तो ये वीडियो उनके लिए है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा फर्स्ट बेसिक पॉइंट है जिससे हम अपने ओपोनेंट से अटैक करवा सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप खेल रहे हो तो आप उसको डोज देना है। जैसे हम लेफ्ट लेफ्ट ऐसे करते रहते हैं तो हम ये इसलिए ही करते हैं जिससे अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकें, एक एग्रेसिव गेम भी दिखा सकें और साथ ही उसको कन्फ्यूज़ करते हुए अटैक कर सकें। जिससे हम लेफ्ट लेफ्ट छेड़ रहे हैं, वो कोई डिफेंस करेगा तो हम राइट मार सकें। तो ऐसे ही आपको फर्स्ट पॉइंट में यही है कि आपको सिंपल डोज देने का ट्राई करना है। कैसे? हाथों के थ्रू लेफ्ट दिखा दिया या फिर जैब दिखाया, मतलब राइट दिखाया बट अटैक नहीं किया, सिंपल खेल रहे हैं, ये दिखाया, इतना लाया बस ये। तो उसको लगेगा आप कोई ना कोई अटैक कर रहे हो, तो अपना राइट पंच खोल देगा, लेफ्ट खोल देगा या फिर बैक स्टेप हटते हुए कोई ना कोई अटैक करने का जरूर ट्राई करेगा, जिसका आप बेनिफिट उठाते हुए कुछ भी अटैक कर सकते हो इजीली। खेल रहे हो, कुछ नहीं करना, बस ये लेफ्ट लेफ्ट दिखाया, मिस करा और ये डोज दिखा दिया, ये डोज दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ऐसे और ऐसे ही आप इन डोज को दिखा के कोई अदर अटैक भी कर सकते हो। जैसे आपने हल्का से डोज दिखाया तो कोई ना कोई मूवमेंट जरूर करेगा, या तो कोई डिफेंस करेगा या आपके ऊपर अटैक करेगा, तो आप उसका फ़ायदा उठाते हुए कोई भी अटैक कर सकते हो। सपोज आपने डोज दिया तो उसने लेफ्ट मारा, कुछ भी अटैक करा, तो आप ऐसे मिस करते हो, यहीं से अपरकट मार सकते हो, यहीं से हुक मार सकते हो या फिर कोई भी अदर अटैक कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक पॉइंट जिसमें आपको अपने हाथों से डोज देना है, मतलब अपन जो अटैक करते हैं, पंच मारते हैं, उनको यूज़ में लेते हुए पूरा अटैक नहीं करना, सिर्फ डोज देना है। एक तो लेफ्ट लेफ्ट छेड़ते रहना है एकदम, और एक राइट के थ्रू डोज देना ही, अटैक नहीं करना बस ये। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको डोज देने के लिए अपने ओपोनेंट से आगे से अटैक करवाने के लिए आपको बेसिक फुट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप उसको मूव फॉरवर्ड होते हुए मतलब आगे की तरफ बढ़ते हुए डोज दोगे। कैसे? खेल रहे हैं तो बस अपने थ्रू ये कुछ नहीं, बस खेल रहे हैं, हल्का सा मूव फॉरवर्ड हो जाओ। इसमें आपको ये ट्राई करना है कि आपको बैक साइड हटते हुए अटैक नहीं करना या फिर साइड में हटते हुए अटैक नहीं करना, आगे बढ़ते हुए अटैक करना है, क्योंकि वो कोई ना कोई अटैक करेगा, या तो वहीं से अटैक करेगा या बैक स्टेप लेके अटैक करेगा। तो आपको हेड्स ऑफ रेंज में रहने के लिए, जिससे आप प्रॉपर अटैक कर पाओ, उसकी रेंज में रहने के लिए, तो आपको हरदम फॉरवर्ड की तरफ फुटवर्क करना है। यानी कि आप ऐसे डोज दे रहे हो और ऐसे पीछे हटते जा रहे हो। अगर आपकी हाइट लंबी है, वो आप पे रस करके खेल रहा है, जब आप इस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो, या फिर आप बराबर के हो और आप से उससे आगे से अटैक करवाना चाहते हो, तो आपको सिंपल आगे की तरफ फुटवर्क करना पड़ेगा, बेसिक ये। बाकी जो फुटवर्क का जो डोज होता है, जो हम हल्का सा ऐसे डोज देते हैं फुटवर्क के थ्रू, उसके थ्रू भी आप उससे आगे से अटैक करवा सकते हो। तो ये था बेसिक पॉइंट, इसके अंदर आपको सिर्फ आगे की तरफ फुटवर्क करना है, पीछे की तरफ करते हुए अटैक नहीं करना, या फिर पीछे की तरफ हटते हुए डोज नहीं देना, या फिर आपको साइड में भी ज़्यादा ऐसे नहीं होना, या तो आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए डोज देना है या फिर साइड स्टेप लेते हुए मूव करते हुए ये ऐसे अटैक करना है। सिंपल पीछे हटते हुए, साइड में हटते हुए कभी भी अटैक नहीं करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप उसको डोज दो, उससे आगे से अटैक करवाने का ट्राई करो, तो आपको कभी भी उसके बिल्कुल भी प्रॉपर रेंज में नहीं जाना, आपको अपनी रेंज बना के रखनी है, ना कि उसकी रेंज में जाना है। अगर आप फुटवर्क आगे तरफ बढ़ते हुए कर रहे हो तो आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग कर रहे हो, अपनी हेड्स ऑफ रेंज के अकॉर्डिंग, बट अगर आप उसके हेड्स ऑफ रेंज में चले गए तो डिफेंस करके कोई भी अटैक कर सकता है आपके ऊपर, या फिर अगर वो वहीं से भी अटैक करेगा तो वो आपके बहुत हार्ड हिट अटैक लगेगा। तो इस पॉइंट में सिंपल सा है कि जब भी आपको अटैक करना है, आप डोज दे रहे हो, तो आपको पूरा ऐसे आगे नहीं बढ़ जाना, पूरा मतलब गार्ड बनाते हुए या फिर कुछ भी डोज देते हुए बिल्कुल उसके पास नहीं चले जाना, आपको हल्की सी दूरी बना के रखनी है उससे, जिससे अगर वो कोई मूवमेंट कर रहा है तो आप उसको देख के प्रॉपर तरीके से अटैक कर पाओ। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल पास चले गए और वहाँ से अटैक करने का ट्राई कर रहे हो। अगर आप ये करोगे तो अगर आप दो पंच मारोगे तो दो तीन पंच वो भी मार देगा, बट हमको पंच सिर्फ मारने हैं, खाने नहीं है। तो इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे आप खेल रहे हो तो उसकी अपनी हेड्स ऑफ रेंज बना के रखो, डोज दे रहे हो वो पीछे हट रहा है तो बिल्कुल आगे मत चले जाओ, अपने वहीं मूवमेंट में रहो और वहीं से अटैक करने का ट्राई करो। वो जैसे कोई मूवमेंट करता है, कोई अटैक करता है, तो आप वहीं से अटैक करने का ट्राई करो। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट जिनके थ्रू आप अपने ओपोनेंट से आगे से अटैक करवा सकते हो, एक काउंटर गेम को इम्प्रूव कर सकते हो और साथ साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, फाइट को जीत सकते हो।
तो होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।